नेहरू नगर चौक ढाके रोड में पुरानी रंजिश के चलते दो गुटों में लड़ाई हुई, जिसके परिणाम स्वरूप विक्रम नामक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे सिविल अस्पताल पठानकोट में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए घायल विक्रम ने बताया कि उसे पहले भी जान से मार डालने की धमकी दी जा चुकी है, जिसके चलते उस पर 20-25 लोगों द्वारा हमला किया गया और तेज धार हथियार से उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। ये जी आया पहला जेल तो चिट्टे के चक्कर च ना फसया ही, जेल हो जमानती बाहर आया, नहीं हफ्ता पहला मैनू धमकी दी कि तैनू गोलियां मार के मरवा देना तो या मार देना। ये आए दे भी आई चौंक दे बेच जी, ये मंगलवार की गल है। तो बस अज मैं घरों बहर आया तो बस मैं जी मेरे इन्होंने चार पाँच जने ही इन्होंने आँदे सट कराती है, ड्राट ड्रूट मारे जी। तो मैं उदों दरखास्त भी दी थाने 2 नंबर च, ये सर कोई पुरानी रंजिश ही मुंडे पहला महल मुहल्ले लड़े ही तो उदों ही कि पिया होना बदमाशी करता ही उदों भी, तो बस उही गल नूं लै के जी चिड़ गया मेरे तों, बांह तोड़ती दी जी इंजरिंग इत्थे कृपाण मारी उन्होंने तो इतने ड्राट मारे जी सिर ते। ये लौंडी जी विनोद पंडित है, उहदा भरा गोपी है जी, एक मुंडा भोलू है तो बाकी उहदे चाचे दाए दे मुंडे जी होर मुंडे भूआ दे मुंडे जी। कंप्लेन लिखाई जी 2 नंबर थाने उदां रात ही लिखाती जी, मैनूं जन मारन की धमकी दे के गया जी मैनूं, पर यह चीज़ उस तों पहला भी इन्हें जी फोन दे उत्ते मैनूं गोलियां मारन की धमकियां दित्तियां जी, वो पिस्तौलां लैके भी आए थे मुंडे 20-25 मुंडे आए थे जी चौंक दे विच। मैं जी ड्राइविंग करता सी इत्थे किसी की गड्डी चलाउंदा प्राइवेट, पुलिस इंसाफ का चाहिए जी, मांग यही है प्रशासन को भी इंसाफ जो जायज़ बनता जी वो करो। हमारे पास एक MLC केस आया है विक्रम नाम से, झगड़ा हुआ था एंड कुछ चोटें लगी हैं इनको सिर पे, हाथ पे और पैर पे, और उनको हमने अभी एक्सरेज वगैरह के अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है, तो आफ्टर गेटिंग एक्सरे हम बता सकते हैं कि कितनी का गहरी चोट लगी है उनको। अभी तो पेशेंट ठीक है बट अभी अंडर ऑब्जर्वेशन ही रखा है उनको हमने। जिला पठानकोट का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व कॉलेज, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। डेडिकेटेड कोरोना वार्ड, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, व्हाइट मेडिकल कॉलेज भुंगल नियर DLM रिसोर्ट पठानकोट। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज पठानकोट के YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक कीजिए, Twitter और Instagram पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज पठानकोट YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।